अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएसएन व्लॉग्स, व्लॉग नंबर 2। और इस व्लॉग में जैसे कि आपने नीचे टाइटल पे देख ही लिया होगा कि मैं आपको निकॉन के कूलपिक्स का रिव्यू देने वाला हूँ, तो लेट्स चेक इट आउट। हाँ, तो ये है मेरे निकॉन के कूलपिक्स का बैकपैक, और ये बैकपैक इसके साथ बस ये कैमरा और बैकपैक और एक दो और स्टफ मिला था, एक दो और स्टफ। अब मैं आपको इसका खोल कर दिखाता हूँ। 1 2 3। तो जी हाँ दोस्तों, ये आ गया है हमारा निकॉन का कूलपिक। अब मैं आपको इसके थोड़े बहुत सिनेमैटिक सिखा। आपने देख लिए इसके सिनेमैटिक्स। और अच्छा, तो अगर आपको बहुत कम बजट है और आपको अच्छा एक बहुत अच्छा कैमरा लेना है तो इसके लिए बेहतरीन है। इसके आपको एक नॉर्मल मतलब कि एक अच्छे मेगापिक्सल भी मिल जाते हैं, 20.2 मेगापिक्सल है इसके साथ, और ये बहुत अच्छा है। अब मैं भी इससे ही वीडियोस बनाऊँगा। यहाँ से इसका यहाँ पर बटन है और उससे इसका फ्लैश ऑन हो जाता है, और अगर आपको किसी को चौड़े कराने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको उसका बैकपैक दिखाता हूँ, बैकपैक खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ इसके साइड पे पॉकेट है और इसके अंदर और बस यही 3 चीज़ें मिली इसके साथ, और इसकी प्राइस भी बहुत कम थी। अगर आपको पाकिस्तान की किसी नॉर्मल शॉप से लेंगे तो आपको 20,000 तक का पड़ जाएगा। ये जो ना ये उसका केबल है ताकि आपको किसी वीडियो को ट्रांसफ़र करनी है दूसरी डिवाइस पर तो उसके लिए बेहतरीन है। तो ये आपने देख लिया इसका रिव्यू, और ये अगर आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और एक और बहुत बड़ी बात, मुझे अपनी पुराने पिछले फर्स्ट व्लॉग में के लिए मुझे बहुत सॉरी कहना है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। तो मैं सॉरी कह रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे पता नहीं चला था कि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो डाली और फिर जब मैंने खोला और फिर मैंने जब देखा, जब मैं अपनी वीडियो चेक की ना तो मुझे पता चला, तो उसके लिए सॉरी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब।